देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, रात में सब IPS और IAS शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, जज और विधायक के साथ साथ मंत्री पर भी आरोप लगाया है। लोगों ने कहा ना, IAS हो, जज हो, कलेक्टर हो, MLA हो, मंत्री हो, सब दारू पीता है 10 बजे 11 बजे के बाद। दरअसल पूर्णिया के धमदाहा में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संविधान बचाओ संखनाद रैली थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। करीब 10,000 की संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए बातों ही बातों में ये कह बैठे थे कि शराब पीकर घर में सो जाइए, रास्ते में मत घूमिए। हालांकि इसका वीडियो तो नहीं बनाया गया, मगर जब जीतन राम मांझी से प्रेस वार्ता में ये बात पूछी गई तो उन्होंने पहले बातों को घुमाना चाहा, फिर वो साफ साफ शब्दों में कहने लगे कि रात 11 बजे के बाद सब IAS, IPS, कलेक्टर, जज, विधायक, अधिकारी और मंत्री सब के सब शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, मांझी की सभा में शराब के नशे में लोग नाचते हुए भी दिखे। देखें जीतन राम मांझी का यह बयान। शराब पीकर सोने की बात कही लोगों को अपने भाषण में, क्या हम कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में, जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है, कोलरा में काम किया है, घूमने किया है, उसमें कोलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं है। और होता क्या है कि गरीब लोग वो शराब लेते हैं खाली पेट में, नशा ज़्यादा आती है, सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, लोग गाली देता है, कहता कैसा दलित आदिवासी, ऐसा लगता है। उससे दूर हटने करके उसको जैसे बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग ने हमें कहा ना, IAS हो, IPS हो, जज हो, कलेक्टर हो, MLA हो, मंत्री हो, सब दारू पीता है 10 बजे 11 बजे के बाद, तो उसी का तुम फॉलो करो, उसी का तुम फॉलो करो, यही हमने कहा। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।